कोरोना के बाद पहली बार गुरुवार को प्रातः भोर से पहले करीब 200 पैदल यात्रियों का संघ हाथ में पताका डीजे की धुन पर मां के जयकारों के साथ कुर्जा पैदल यात्रा संघ स्थानीय कल्याणपुरा से रवाना हुआ। गुरुवार को प्रातः कुर्जा पैदल संघ से मेले के आयोजन का श्री गणेश हुआ। पूरे दिन आयोजित हुए कार्यक्रमों के लाभार्थी परिवारों का मालू भाईपा समाज की ओर से बहुमान किया गया। वहीं रात्रि जागरण में भी हजारों भक्त मौजूद रहे। कोरोना के बाद पहली बार गुरुवार को प्रातः भोर से पहले करीब 200 पैदल यात्रियों का संघ हाथ में पताका डीजे की धुन पर मां के जयकारों के साथ कुर्जा पैदल यात्रा संघ स्थानीय कल्याणपुरा से रवाना हुआ। मालू भाईपा समाज संस्थान के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र मेहता व ट्रस्टी नेमीचंद मालू ने बताया कि माता के दरबार में पहुंचा और माँ के चरणों में धोक लगाते हुए मन्नतें मांगी। इससे पहले कुर्जा में मंगलवार को देर रात तक भजन गायक महावीर सिंह देसाई एंड पार्टी सूरत ने मां सच्याई के भक्तों को भजनों के माध्यम से बांधे रखा। जागरण में सच्याई माता के चढ़ावे को लेकर पक्षार नेमीचंद गंगाराम मालू मेहता वेश का लाभ अमृतलाल प्रभुलाल मालू तिलक व पुष्प का लाभ मिश्रीमल प्रभुलाल छाजेर व तिलोक चंद घेवरचंद मालू महाआरती का लाभ संपत राज सुरताराम बोथरा परिवार ऊंडखा वालों की ओर से लिया गया। रात्रि जागरण में हजारों मां के भक्तों ने अपनी हाजिरी दर्ज करवाई। गुरुवार को प्रातः कुर्जा पैदल संघ से मेले के आयोजन का श्री गणेश हुआ। पूरे दिन आयोजित हुए कार्यक्रमों के लाभार्थी परिवारों का मालू भाईपा समाज की ओर से बहुमान किया गया। पैदल यात्रा संघ मां सच्याई के भक्तों के साथ 200 से अधिक युवक और युवतियों के साथ रवाना हुआ। ट्रस्ट मंडल की ओर से हर माह चांदनी तेरस को विशेष मेले का आयोजन होता है। गुरुवार को आयोजित मेले में लाभार्थी परिवारों का भाईपा समाज द्वारा अभिनंदन किया गया। वहीं कुर्जा मेले में मालू भाइयों सहित अन्य जैन बंधुओं ने दर्शन किए। कुर्जा मेले को चार चांद लगाने के लिए मालू भाईपा समाज संस्थान माँ सच्याई भक्त मंडल शखीश्वर महिला मंडल माँ सच्याई सेवा मंडल व माँ सच्याई बालिका मंडल का विशेष सहयोग रहा।